अपने विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षक संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर सरकार के विरोध में नारेबाजी की और कहा कि समान काम समान वेतन मांग के अलावा बकाया वेतन की मांग यथाशीघ्र किया जाए। मुर्दाबाद 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 गति छोड़ गति छोड़ गति छोड़ गति छोड़ गति छोड़ आज बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ भोजपुरी इकाई के तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि लगभग एक साल में नियोजित शिक्षकों को मात्र दो बार वेतन मिल रहा है और वो भी हम लोग यह समझते थे कि पर्व त्योहार के मौके पर नीतीश कुमार वेतन देंगे, लेकिन इधर जो परिस्थितियां पैदा हो गई है आपको बता दें, ईद में बकरीद में दशहरा अभी दिवाली का मौसम, कल दिवाली है और आने वाले 4-5 दिनों के बाद छठ पर्व, अभी 3 महीने का वेतन नहीं मिला और इस 12 महीनों में मात्र 2 बार वेतन मिल रहा है, आपका 1 साल का एरियर बकाया है। तो इस तरीके से नियोजित शिक्षकों को एक तरफ से सरकार के द्वारा दिन प्रतिदिन प्रताड़ित करने का काम किया जाता है और दूसरे तौर पे नियोजित शिक्षकों को भूखे रखने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दिवाली के मौके पर सारे बच्चों के यह दिमाग में रहता है कि पिताजी हमारे पैसा लेकर के आएंगे तो हम पटाखे खरीदेंगे, दीपावली दिया जलाएंगे, लेकिन आज नियोजित शिक्षकों के सामने भुखमरी की समस्या हो गई है, कोई भी पैसा नहीं, अभी सितंबर माह का पैसा नहीं, अक्टूबर माह का पैसा नहीं, नवंबर चलने को है और साल भर से एरियर बाकी है। जिस एरियर के आंदोलन के लिए हम लोग प्रदर्शन करने का काम किए थे, यहाँ का जिला शिक्षा पदाधिकारी हम लोगों पर लाठियाचार्ज करवाने का काम किया था और पुलिस को बुलवा करके गिरफ्तार करवाने की भी साजिश किया था। छठ पर्व के बाद बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ भोजपुर इकाई की तरफ से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के गेट पर आम अनशन करने का काम करेगा। कुमार पंकज कुमार सिंह बंटू, जिला अध्यक्ष भोजपुर, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक।